पीपल एलसीसी वगैरह नहीं होती अब जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा खड़ो के खींच लो ना पीछे जाओ पीछे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ खुला करो इसको ये तो भारी पड़ता है पीछे करो उसको हल्के में भारत माता की जय भारत माता की जय चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा ये पीछे पकड़ो सर क्या नाम है आपका परमजीत सिंह पम्मा अध्यक्ष नेशनल अकाली दल सर जैसे हम देख रहे हैं आज जंतर मंतर पे आप आ रहे हैं और नारे लगा रहे इंकलाब जिंदाबाद तो किस चीज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं जंतर मंतर पे देखिए हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 72 साल हम आजादी के मना रहे हैं मगर जो आजादी के मतवाले हैं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई उनको आज तक शहीदी का दर्जा ना दिया गया हो सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं हम शहीदों के लिए वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं मगर ये बताए क्या चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और लोगों ने क्या कुर्बानियां नहीं दी क्या उन लोगों को आप शहीदी का दर्जा आज तक 72 साल में क्यों ना दिया गया हो सरकारें तो बहुत आई व्यवस्था वहीं की वहीं रही मगर जिस प्रकार अब हमारा ये आंदोलन आप देख रहे हैं सामाजिक तौर पे धार्मिक तौर पे राजनीतिक तौर पे सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हमारी एक ही मांग है कि 26 जनवरी को इस बार इनको शहीदी का दर्जा देना चाहिए अगर नहीं देती सरकार तो ये हमारा आंदोलन जगह जगह पूरे देश में उग्र प्रदर्शन के रूप में होगा आज हमारा प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हम जितने भी हमारे लोकसभा राज्यसभा एमपी हैं या एमएलए हैं या कौंसलर उनका घेराव करेंगे आप राजनीति क्यों करते हो कि शहीदों के ऊपर आप उनकी जो कुर्बानी उनसे रोटियां सेकते हो राजनीतिक मगर जब उनको कुछ देने की बात आती है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं क्यों मुंह बंद हो जाते हैं क्यों क्योंकि इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है ये सिर्फ बात करते हैं सिर्फ लड़ाने की आपस में लड़ाने की बात करते हैं जिन्होंने देश की कुर्बानी दी है उनके लिए बात नहीं करते आज हमारे जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं ये तिरंगे के नीचे इकट्ठे हुए हैं अच्छा सर जो शहीदों की बात कर रहे कौन से शहीदों के लिए आप मांग कर रहे हैं उनके क्या नाम है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद उसके अलावा भी कई शहीद हैं जो बहुत से हैं जिनको आंदोलनकारी हैं जिन्होंने शहीदी दी है मगर उनको किसी प्रकार का भी नहीं दिया गया आज उन्होंने तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी आज तिरंगे के लिए हम भी कुर्बान होने को तैयार हैं मगर तिरंगे को कोई आग दिखाएगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा हमारे देशवासी एकजुट हो जाएंगे तिरंगे के नीचे मगर अपने देश के जो शहीदों का जिन आजादी के मतवालों का मान सम्मान के लिए उनकी कुर्बानी के लिए मगर उनका अपमान नहीं होने देंगे यही पंजाबी गायक भी है और मैं देख रहा हूँ आज यहाँ जंतर मंतर पे लोगों के साथ आए हुए हैं जो यहाँ पे शहीदों की मांग के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है जी तो आप क्या कहना चाहोगे जैसे आप अभी एक गीत भी गा रहे थे जी जी सर ऐसा है कि पहली बात तो मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं जाता हूँ ये पम्मा बाजी इनकी जो भी पार्टी है मैं उनके जो राजनीतिक काम है मुझे नहीं पता लेकिन ये जो सोशल काम करते हैं मैं इनके साथ हमेशा हूँ क्योंकि ये देश के लिए लड़ते हैं समाज के लिए लड़ते हैं पहली बात दूसरी बात ये है कि मैं तो आज खुद अपने आप पे हैरान था कि मुझे पता ही नहीं कि भगत सिंह जैसे शहीद चंद्रशेखर जैसे राजगुरु सुखदेव और ना जाने कितने जिनको शहीद का दर्जा ही नहीं मिला ये मुझ जैसा भारतीय गलत है सभी भारतवासियों को सबसे पहले तो ये आज पता लगेगा हमारे पम्मा बाजी की तरफ से कि उनको शहीदी का दर्जा ही नहीं दिया गया जो देश के लिए मर मिटे यार आज हम अगर जी रहे हैं तो उनके लिए जी रहे हैं अगर वो नहीं होते तो आज हम गुलाम होते आज भी गुलाम होते तो सर तो मैं तो हैरान हो गया ये बात सोच के और उनको शहीद का दर्जा दिलवाना हमारा फर्ज है हम उसके लिए मर मिटेंगे हमें जो भी करना पड़ेगा 26 जनवरी को हम ऐलान करवा के रहेंगे कि वो शहीद है उनको आतंकी घोषित किया गया है कितनी गलत बात है हमारे देश के लिए ये अवनीत कौर मैडम क्या नाम है आपका
मेरा नाम अवनीत कौर है। रवनीत कौर जी, जैसे हम देख रहे हैं आज जंतर मंतर पे आए हुए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो आप लोग, तो किस चीज की मांग कर रहे हैं यहाँ पे? मांग यही है कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपना आप नछावर कर दिया और ये नहीं माना जाएगा कि वे सिख किस कौम के थे, वो पूरे भारतीय थे और उनको एक आतंकवादी बताया गया। आज भी दस्तावेजों पे उन पे जो इल्ज़ाम वो लगे हुए हैं, हमारी पम्मा जी के साथ मिलके कोशिश है कि समाज को, हमारी आने वाली जो जनरेशन नेक्स्ट है उसको बताया जाए कि इनका कितना बड़ा दर्जा था। शहीद भगत सिंह सिर्फ हम नहीं कहते, पूरा संसार इन्हें कहता है, लेकिन हमारा संविधान नहीं मानता इन्हें शहीद। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी तक इन सभी शहीदों को वो दर्जा दिलवाया जाए। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। अगर मैडम 26 जनवरी को ये नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करोगे? ये आंदोलन जारी रहेगा और घर घर में, कूचे कूचे में जाके, गली गली में जाकर ये आवाज जो है बुलंद होगी। और आज जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये एक नहीं, ये एक से एक लाख तक पहुँचेगी और 2 लाख 10 लाख तक पहुँचेगी। पूरा आवाम हमारे साथ होगा और ये दर्जा हम दिलवा कर रहेंगे। अच्छा मैडम, ये मांग किससे कर रहे हैं यहाँ पे आगे जंतर मंतर पे? ये मांग जो है ये सरकार से हो रही है कि आज भी जो दस्तावेज, जो संविधान के दस्तावेज है, उसमें भी राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर जैसे तमाम जितने भी संघर्ष जिन्होंने किया आजादी दिलवाने के लिए, उनको भी आज जो है जो शहीद का दर्जा है वो नहीं दिया जा रहा। यही हमारी मांग है और ये मांग चलती जाएगी जब तक हमें उनका शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाएगा। पीछे उधर ले लो उनको, ये लंबे हैं, पीछे ले लो इनको। अरे करने दे यार भाई, करने दे। शहीद का दर्जा, 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 शहीद का दर्जा। भारत के शहीदों को राष्ट्रीय शहीद घोषित करो, भारत के शहीदों को राष्ट्रीय शहीद घोषित करो, भारत के शहीदों को राष्ट्रीय शहीद घोषित करो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। Let's go!
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 Jalal 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 J